बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर, आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल लोग, इन सबको जब मैं सुनता हूँ तो एक बात मुझे खटकती है या जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ, वो बात ये है कि ये लोग बार बार हमेशा खुश रहने की बात करते हैं। मतलब जो उनके जो मार्केटिंग वो करते हैं या जो बातें वो करते हैं उसमें बोलते हैं कि कैसे पाए हमेशा खुशी रहने का तरीका, कैसे हमेशा खुश रहे। जीवन ऐसा नहीं है, अस्तित्व ऐसा नहीं है, एवोल्यूशन ऐसा नहीं है, मानव जीवन ऐसा नहीं है कि आप हमेशा खुश में रहो, हमेशा दुख में रहो। श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक मैं आपको याद करवाना चाहूंगा जिसमें श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, जो भी बाहर बदलाव हो रहे हैं उसको तो सहन कर ले, क्योंकि ये हमेशा टिकने वाले नहीं है, इसकी प्रकृति ऐसी है। तो खुशी हमेशा नहीं रहेगी, जीवन ऐसा नहीं है, प्रकृति ऐसी नहीं है, अस्तित्व ऐसा नहीं है, तो क्यों आप बार बार फोर्सफुली सबको हमेशा खुश रखना चाहते हो। मूड स्विंग होगी, हफ्ते में 2 दिन मूड स्विंग होगी, महीने में 5 दिन मूड स्विंग होंगे, उतार चढ़ाव आएगा, नेगेटिविटी आएगी, जजमेंटल बनेंगे। मनुष्य की प्रकृति है आहार निंद्रा भय मैथुन, उसमें भय में सब कुछ आता है, डर ईर्षा द्वेष। जागरूकता से आप इसको कम कर सकते हो, जितने जागरूक रहोगे इस प्रकार की जो ये बातें हैं मनुष्य प्रकृति की, वो आपको ज्यादा विचलित नहीं करेगी। परंतु पूर्ण उससे मतलब हमेशा 365 दिन 24 आवर्स आपको खुशी रहना, इस प्रकार के दबाव में मत चलो, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा तो जंगल में इंसान अकेला रहे तब भी संभव नहीं है, वहाँ भी कुछ ना कुछ दुख प्रकृति देगी। तो हमेशा खुश नहीं रह सकते, पर हमें जितना हो सके उतना जागरूक होकर के अपने अंदर भीतर खुशी का स्तर बरकरार रखना है।